हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस एपिसोड में बात करेंगे मेरी और एक पसंदीदा फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है दोस्तों चलते चलते, स्टारिंग शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, सतीश शाह, जॉनी लिवर, जैस अरोरा, आदित्य पंचोली, विश्वजीत प्रधान, सुरेश मेनन और भी बहुत सारे सह कलाकार हैं इस फिल्म में। अगर मैं इस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में शेयर करूं तो ये कहानी है राज और प्रिया की, मतलब जो पार्ट शाहरुख खान और रानी मुखर्जी प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। दोनों अपने दोस्त के वेडिंग पे मिलते हैं महाबलेश्वर में। राज भाई प्रोफेशन एक ट्रक ड्राइवर है, मतलब उनका खुद का ट्रक का कंपनी है, वो खुद भी ट्रक चलाते हैं और ट्रक लेके जाते हैं अपने दोस्त की शादी पे। और रास्ते में ही मिलते हैं प्रिया से, और प्रिया को देखते ही राज प्रिया को पसंद करने लगते हैं। और जैसे कहानी आगे बढ़ता है और राज प्रिया से प्यार करने लगता है, और प्रिया तो वो दोस्ती मानते हैं राज को। और दोनों एक ही ट्रक में महाबलेश्वर से मुंबई फिर वापस आते हैं दोस्त की शादी के बाद, और उनकी जो कहानी वो आगे बढ़ता है। और राज प्रिया से प्यार करने लगता है और प्रिया को कहता भी है, लेकिन प्रिया का एक स्टोरी है, उसका जो एंगेजमेंट है और जो शादी है वो तय हो चुका होता है अपने बचपन के दोस्त के साथ, और ग्रीस में जाके वो अब शादी करने वाली है। और राज जब प्रपोज करता है प्रिया को तो प्रिया सब कुछ सच बता देती है वो, और राज फिर भी हाल नहीं छोड़ता। और उसका राज का मानना है कि जब तक आखिर तक वो कोशिश करता रहेगा काश प्रिया का दिल जीत सके। एक डायलॉग है, बहुत ही बड़े डायलॉग वो प्रिया को बोलते हैं राज कि मैं काश नहीं कहना चाहता, मालूम है तुम मुझसे मेरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश तो करता रहूँगा। तो इसलिए जब प्रिया वापस चली जाती है तो राज भी उसके पीछे पीछे उसी प्लेन पे बैठ के ग्रीस तक जाते हैं। मौसम खराब के कारण प्लेन को कोई एक शहर में लैंड किया जाता है, और वहीं से थोड़ा बहुत जर्नी वो शुरू होता है, प्यार मोहब्बत का जर्नी, कुछ मूवमेंट होता है जो दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं, मेले में घूमते हैं और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उस बीच। और जब प्रिया सचमुच परेशान हो जाती है कि किसी भी तरह घर पहुंचना है, सब घर में सब इंतज़ार में है प्रिया के, तब राज क्या करते हैं तो कार हायर करते हुए, मतलब पूरी रात वो ड्राइविंग करते प्रिया को अपने घर छोड़ने के लिए वो जाते हैं, और घर छोड़ भी देते हैं। सुबह सुबह का मौसम जब वो पहुँच जाती है, प्रिया जब सो जाती है और जब उठती है तो देखती है अपने घर पहुँच चुकी है, राज सामने बैठा हुआ है। तब प्रिया भी धीरे धीरे राज को प्यार करने लगती है, लेकिन एक ऐसी दुविधा में वो पड़ जाती है तो क्या करे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, प्रिया तो घर पहुँच गई, क्या घर वालों को राज के बारे में बताएगी वो, क्या प्रिया के परिवार राज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या राज और प्रिया की शादी हो जाएगी, अगर शादी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, कि कैसे लाइफस्टाइल होंगे, क्या क्या होगा, वो सब कुछ जानने के लिए आप सबको ये फिल्म देखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी ये फिल्म है, रोमांटिक ड्रामा मूवी है, और बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं इस फिल्म में, जो अब जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, कनेक्ट कर सकोगे, जैसा ही होता है घर घर में होता है प्यार मोहब्बत में। बहुत ही प्यार से बनाया गया फिल्म है और मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। और इस फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है शाहरुख खान ने, रानी मुखर्जी भी बहुत ही बढ़िया काम की इस फिल्म में, दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत ही बढ़िया लग रही थी देखने में स्क्रीन पे, और बहुत ही अच्छा लगा देख के दोनों को एक साथ, और उनकी जो केमिस्ट्री है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। जब आप लोग देखोगे ना इस फिल्म को आपको खुद ही पता चलेगा, दोनों की जो जोड़ी है बहुत ही कमाल की लग रही थी देखने में, और सभी सह कलाकार मतलब जिन्होंने भी काम किया है सभी का काम बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो जयस अरोरा हो, चाहे वो आदित्य पंचोली नेगेटिव रोल में हो, सतीश शाह हो, या मौसी के रानी मुखर्जी के मौसी के जो रोल किया था उनका पार्ट हो, सभी का काम बढ़िया है सभी का काम। और स्पेशली मैं कहूँगा जॉनी लिवर के बारे में, वो जो बियोड़ा के रोल में बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने किया है, दिल जीत लिया जॉनी भाई ने, बहुत बढ़िया काम किया। और एक सीन है ना दोस्तों, ले जाएंगे वो जो बोलते हैं वो बहुत ही दिल को कनेक्ट करता है वो सीन, जब देखोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा। ओवरऑल सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फिल्म में, फिल्म का म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं इस फिल्म में, सभी गाने चार्टबस्टर था उस टाइम पे, आज भी सुनने में अच्छा लगता है इस गाने को, बहुत ही बढ़िया गाना बन दिया है जतिन ललित ने और आदित्य श्रीवास्तव ने भी।
और फिल्म को प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान, जूही चावला और अजीज मिर्ज़ा ने। फिल्म को डायरेक्ट किया है अजीज मिर्ज़ा ने। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन है इस फिल्म का, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रोमांटिक तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही डायरेक्शन उनका बहुत बढ़िया है। फिल्म रिलीज हुआ था 13 जून 2003 को और फिल्म का बजट था 11 करोड़ और फिल्म ने नेट इंडिया कलेक्शन किया था अप्रॉक्सीमेटली 19.45 करोड़। मैंने साइड में बॉक्स ऑफिस का जो डेटा है वो स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस वर्डिक था हिट और सक्सेसफुल फिल्म था ये। और अब फ्रेंड्स, इस फिल्म से जुड़े दो अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, पहले रानी मुखर्जी के रोल के लिए ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था और कुछ पोर्शन शूटिंग भी किया गया था, लेकिन एक दुविधा हुआ था सलमान खान को लेकर, मगर उसके बाद ऐश्वर्या राय की जगह रानी मुखर्जी को लिया गया था। और एक बात और एक फैक्ट, रानी मुखर्जी से पहले काजोल को भी अप्रोच किया गया था इस रोल के लिए, लेकिन संभव काजोल भी इस रोल को कर नहीं पाई, उसके बाद फाइनली रानी मुखर्जी को लिया गया। लेकिन मेरे मानना है कि रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की जो केमिस्ट्री है बहुत ही बढ़िया लग रही थी देखने में, बहुत ही बढ़िया लगा दोनों को साथ में देखते हुए। ओवरऑल ऑल इन वन मैं यही बात बोलूँगा, तो जो लोग सॉफ्ट रोमांटिक अच्छे गानों के साथ मूवी देखना पसंद करते हो, डेफिनेटली आप लोग ये फिल्म देख सकते हो, डेफिनेटली ये फिल्म आपको मनोरंजन करने में कामयाब होगा। ये फिल्म मुझे खास बहुत पसंद है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस फिल्म को देखता हूँ, मन बहुत खुश हो जाता है देखने के बाद। ये फिल्म बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, ग्रीस का लोकेशन या जैसे मुझे जो कहानी आगे बढ़ती है बहुत ही बढ़िया लगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट फिल्म है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि जो लोग अब तक नहीं देखे हो अगर चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो, आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय, टाटा, जय हिंद।